नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए इसमें आप लोग को बताने वाले हैं, बिहार ड्राइवर कांस्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट जारी कर दिया गया है। आप लोग इस एडमिट कार्ड को किस डेट में डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरा जानकारी मैं आप लोग को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, और आप लोग का एग्जाम किस डेट से चालू होगा और कितना देर का एग्जाम होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा और आपका एग्जाम कितना से कितना बजे तक होगा, पूरा जानकारी मैं आप लोग को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, पूरा जानकारी मैं आप लोग के वीडियो में देने वाला हूँ। ओके फ्रेंड, उससे पहले बताना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस के लिए, ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग उस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और आप लोग उसमें पूरी जानकारी देख सकते हैं कि किस डेट में आपका एग्जाम है, डाउनलोड कब से करेंगे एडमिट कार्ड, क्या रिपोर्टिंग टाइम है आपको एग्जाम में वहाँ पे पहुँचने की। ओके फ्रेंड्स, और कितना देर तक आप एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्शन क्या है एग्जाम का, कितना घंटा का एग्जाम होगा, तो चलिए आपको अपने कंप्यूटर पे लेके चलते हैं और बताते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले से कॉपी करके रखा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट ओनली फॉर कर दे रहा हूँ। ओके, तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना। ओके, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली वहां से क्लिक करके आप लोग जो है इस पेज पे पहुंच सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है csbc.bih.nic.in। इस तरह से टैप करेंगे तो भी आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, जो कि यहां पे देख सकते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। ओके, जो कि बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको 5 दिसंबर 2020 इंपॉर्टेंट नोटिस, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रिगार्डिंग रिटर्न एग्जाम शेड्यूल। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे 3/1/2021 ई एडमिट कार्ड। ओके, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना। ओके, तो चले मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे उस पे क्लिक करेंगे देख सकते फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन, यानी कि आप दोबारा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका था। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ओके, तो चलिए डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके फोन में नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते फ्रेंड्स, जो कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ओके फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के लिए 1722 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 5/2019 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक देख सकते फ्रेंड्स, जो कि लिखित परीक्षा आपका दिनांक देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जो आपका लिखित परीक्षा होगा देखें 3 जनवरी 2021 को रविवार को होगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि आपका एग्जाम होगा ड्राइवर कांस्टेबल का बिहार पुलिस का 3 जनवरी 2021 को होगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 जनवरी 2021 रविवार को निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दिनांक, और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको दिनांक, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम। ओके फ्रेंड्स, जो कि आपको कितना बजे आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, तो आपको सबसे पहले बता देते हैं आपको एग्जाम जो होगा यहाँ पे देखिए 3 जनवरी 2021 को। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम की अवधि जो होगी आपको कितना बजे से कितना बजे तक एग्जाम होगा, जो कि 10 बजे से स्टार्ट होगा आपका एग्जाम और यहाँ पे 12 बजे तक आपका जो है सो खत्म होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम यानी कि आप एग्जाम सेंटर पे कब पहुंचेंगे, 9 बजे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग 9 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड परिषद की वेबसाइट देख सकते हैं www.cbsc.bih.nic.in, पहले मैं बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट जो दिया गया है इसी वेबसाइट के ऊपर आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, एडमिट कार्ड आप किस डेट में डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक, यानी कि यहाँ पे देखें पुनः दिनांक 10/12 यानी कि 10 दिसंबर से उपलब्ध रहेगी आपका एडमिट कार्ड, जो 10 दिसंबर से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें फिर लिखा, अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकते हैं, यदि किसी कारणवश, यहाँ पे देखें इस बात पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके तो वे दिनांक 30/12 देख सकते हैं 30 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 17 यानी कि 5 बजे तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना इतना पिन कोड। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो है सो सिपाही भर्ती परिषद में आपको जाना है पटना। ओके फ्रेंड्स, वहां पे आपको जाएंगे और वहां पे बताएंगे कि सर मेरा एडमिट कार्ड जो है सो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स,
तो वहाँ बताएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका बाय चांस एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, ओके फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे जाके केंद्रीय परिषद में जाके वहाँ से ये शिकायत दर्ज करेंगे आपका उसी टाइम आपका। और शिकायत दर्ज करने से पहले आपको वहाँ पे बता देते हैं कि आप जो है सो जो रिसीविंग आप लोग ऑनलाइन करते वक्त लिए थे वो रिसीविंग ले जाना है, 5 फोटो आपको ले जाना है, ओके फ्रेंड्स, तभी आप लोग वहाँ से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और आधार कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, और पेमेंट प्रूफ जो आपका होगा वो पेमेंट प्रूफ भी आप लोग वहाँ पे जाएंगे लेके। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।